जय हिंद। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी बता रहा हूँ यह जानकारी मिथिला विश्वविद्यालय के वैसे कैंडिडेट के लिए है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि डिग्री पार्ट थ्री के मार्कशीट कब तक आप लोगों को मिल जाएगा, अगर जरूरी है तो वो कैसे मिलेगा। दूसरा, जो 75% क्लास करना जरूरी है वो किनके लिए है, केवल यूजी वाले के लिए है या पीजी वाले के लिए है, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है। कुछ कह रहा है कि नया सेशन वाले के लिए है कि पुराने के लिए भी है, वो बता दीजिए, तो वो बताऊंगा। तीसरा, आप लोगों बहुत कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें पीजी में एडमिशन लेना है, इसके लेकर के एडमिशन की प्रक्रिया या ऑनलाइन की प्रक्रिया कब से शुरू किए जाएंगे, रेगुलर मोड में होगा या डिस्टेंस मोड में होगा। ओवरऑल ये समझिए कि जो भी जानकारी बताऊंगा ये घिसा पीटा जानकारी ही रहेगा, क्योंकि मैंने इस पर अलग से टॉपिक अलग अलग वीडियो बना दिए इन सभी टॉपिक पे, ठीक है। फिर भी कमेंट आ रहा है तो कमेंट का जवाब देना जो है वो फर्ज बनता है, और इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखें, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन, पीजी में एडमिशन की प्रक्रिया कब से शुरू किए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पीजी में अब जो एडमिशन होता है मिथिला विश्वविद्यालय में वो केवल और केवल रेगुलर मोड में होता है, डिस्टेंस मोड जो है वो समाप्त कर दिए गए हैं। तो अगर आप लोगों को रेगुलर मोड में एडमिशन लेना है तो आप लोगों को क्लास करना जरूरी है, ठीक है। क्लास नहीं करिएगा तो फिर नामांकन रद्द कर दिया जाएगा, जो अभी का जो है सूचना या अभी जो इन्फॉर्मेशन चल रहा है ताजा ताजा उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। अब पीजी में एडमिशन की प्रक्रिया जो है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि 15 से 20 दिन अभी भी लगेगा, क्योंकि अभी तक कोई नया सूचना इससे संबंधित नहीं आया है, और आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अब यहाँ पे बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो डिग्री पार्ट थ्री के ओरिजिनल मार्कशीट का इंतजार कर रहे हैं कि हम लोगों के ओरिजिनल मार्कशीट कब आएंगे, क्योंकि मुझे अन्य कोर्स में एडमिशन लेना है या मैं एडमिशन ले चुका हूँ और एडमिशन कराने की जो तिथि है उसमें जो है TNC लगा दिया है, ठीक है, कि अगर आप इतने तारीख तक ओरिजिनल मार्कशीट या CLC नहीं जमा करते हैं तो आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। इस तरह के इन्फॉर्मेशन भी मैंने प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों को बता दूं कि अभी जो है आप लोगों के जो आप लोगों के ओरिजिनल मार्कशीट है उसमें 15 से 20 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि जब भी एग्जाम होता है एग्जाम के 1 से 1.5 महीने बाद ही जो पार्ट थ्री के मार्कशीट है वो देखने को मिलता है। तो आप लोगों को लगभग 20 से 25 दिन तो हो ही गया है रिजल्ट आए हुए, और आप लोगों को अभी 15-20 दिन और इंतजार करना है। वैसे जब भी सूचना आएगा कि एडमिट का मार्कशीट आप लोगों का बनकर तैयार हो चुका है और आप अपने महाविद्यालय से ले सकते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। आप लोग चैनल पे जुड़े रहिएगा। जिनको मार्कशीट की बहुत जरूरत है तो उनको बता दूं कि आप अपने कॉलेज से एप्लीकेशन लिखवा लीजिएगा, और इसके बाद जो है अपने महाविद्यालय में विश्वविद्यालय में जाना है और जो चालान है वो कटाना है, और जल्द से जल्द आप लोगों को कितना दिन मिलेगा, 2 से 3 या 4 दिन में आप लोगों को ओरिजिनल मार्कशीट जो है वो मिल जाएगा। तो आप लोगों को विश्वविद्यालय जाना पड़ेगा अगर आप लोगों को ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए तो, ठीक है। बात रही कि बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो कह रहा है कि सर जो 75% अटेंडेंस बनना जरूरी है वो केवल नए सत्र के कैंडिडेट के लिए है या केवल यूजी वाले के लिए है या केवल पीजी वाले के लिए है या सभी के लिए है, ये मुझे बता दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लूं कि आप लोग अगर रेगुलर मोड में एडमिशन लिए हैं ना, तो अभी के जो मौसम चल रहा है इसी हिसाब से आप लोगों का 75% अटेंडेंस अगर नहीं रहता है तो आप लोगों का नामांकन रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि के पाठक जी सभी कॉलेजों में जो है लगभग घूमने के लिए अर्थात विजिट करने के लिए जाते हैं और वहाँ का जो निरीक्षण है वो करते हैं, अगर वो गलती या खामियां पाते हैं तो वहाँ पे डांट भी लगता है। इस स्थिति में आप लोगों को यह नहीं सोचना है कि ये यूजी वाले के लिए है या ये पीजी वाले के लिए है या नए वाले के लिए है या पुराने वाले के लिए है, ये जो नियम है वो सभी के लिए है, जितने भी रेगुलर मोड के कैंडिडेट है ना सभी के लिए है। आप लोग यह नहीं समझिए कि मेरे लिए नहीं है, ठीक है। आप लोग सेशन 2023 से 2027 में लिए क्यों नहीं है, या आप लोगों का जो 22 से 25 है या आप लोगों के 21 से 24 है, तो सभी के लिए ये आप लोग समझ जाएंगे। यूजी हो, पीजी हो या बीएड हो
या अन्य कोई कोर्स के कैंडिडेट हो जो रेगुलर मोड से पढ़ाई कर रहे हैं, सभी के लिए 75% अटेंडेंस जरूरी है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है ना जो कह रहे हैं कि हम तो 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर एडमिशन ले लिए हैं, तो वहां पे जाने में बहुत दिक्कत होगा, गरीब कैंडिडेट है। कुछ कह रहे हैं कि हम जॉब की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में और मुझे कैसे क्लास करना पड़ सकता है, और ऐसे में तो मेरा नामांकन ही रद्द हो जाएगा। तो भाई इसी सब को रोकने के लिए ये सरकार के द्वारा जो है ना पालू किया गया है, क्योंकि जो टीचर को पैसा दिया जाता है वो पढ़ाने का दिया जाता है और विद्यार्थी नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि टीचर में वो क्वालिटी नहीं हो पाता है। जब तक क्वालिटी नहीं रहेगा तब तक कैंडिडेट कैसे पढ़ पाएंगे? तो अगर पढ़ाएंगे तब ना क्वालिटी जो है टीचर में जो है बिल्डअप होगा, अगर नहीं पढ़ाएंगे तो, और गोबर है ना, तो गोबर के बाद उसमें से गोबर छत्ता निकलेगा जिसे मशरूम कहा जाता है, वो हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए जो है के पाठक जी थोड़ा सख्ती बढ़ते हैं और ये होना जरूरी है। और जो 100-150 किलोमीटर दूर है तो ये आप लोगों को एडमिशन लेने से पहले ही सोचना चाहिए था। अगर आप लोगों को क्लास करना जरूरी कर दिया है तो आपके कॉलेज में तो हॉस्टल की सुविधा तो होंगे ही ना, तो आप हॉस्टल के अगर हॉस्टल के लिए एलिजिबल होंगे तो आप हॉस्टल अप्लाई कर दीजिए और हॉस्टल में रहने का प्रयास करिए, ठीक है, छात्रावास जो होता है उसमें रहने का प्रयास करिए। तो ये आप लोगों का है, जब पढ़ाई करना है तो अच्छे से पढ़ाई करिएगा ना, यही तो नियम है। और सभी जगह क्लास होता है, बिहार में नहीं होता था, अब के पाठक जी आए हैं, कुछ को ये नियम जो है वो खराब लगता है, कुछ को और बहुत से लोगों को जो है वो अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि ये जो है क्रांति जो है आई है ना, कॉलेज में जो है स्टूडेंट सब भरा रहता है तो अच्छा लगता है, हमें भी लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ कैंडिडेट को सीखने को मिलता है। तो आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका है, कैसा लगा मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।